मैं सारिका ब्रांच ऑफ ब्रांच हेड ऑफ जैकमपुरा ब्रांच फ्लाइंग बर्ड स्कूल में हूँ और इन बच्चों के साथ 6-7 साल से जुड़ी हुई हूँ। फ्लाइंग बर्ड के साथ मुझे जुड़े हुए 12 साल हो गए पर जैकमपुरा में मुझे 6-7 साल हो गए हैं जिसमें मैं जुड़ी हुई हूँ और इन बच्चों को सांस्कृतिक नैतिक शिक्षा के ऊपर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं और इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो हमसे अच्छे से अच्छा प्रयास होगा हम करेंगे और इनको आगे लेकर जाएंगे। ये फ्लाइंग बर्ड का स्टाफ है मेरा जिन्होंने हर समय हर कदम पर मेरा साथ दिया है और मैं उम्मीद करती हूँ इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और सिर्फ इस गुड़गांव या हरियाणा या किसी चीज़ के लिए नहीं भारतीय मूल के लिए काम करते रहेंगे। कोशिश है हमारी कि इन बच्चों को आगे से आगे लेकर आएं, फ्लाइंग बर्ड के साथ जुड़े रहें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। तेरा ये हो जाए, तेरा वो हो जाए, तेरा बुरा हो जाए, बोले नहीं, बोले विष भेजा है, उनके लाओ, लाओ। इस भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरत है तो धैर्य। ये सामने आपके सामने भी आएंगे ऐसी परीक्षा, आप लेकर बैठेंगे हमारा, और जब नजर भगवान नजदीक होते हैं ना बिल्कुल, तो घर वाला ही विरोध कर देता है, जो घर का सबसे नजदीक है वो व्यक्ति विरोध कर देता है। भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं तो विरोध किसने किया? तो विरोध हमके देवर ने कर दिया। तो ये सबके साथ होता है। आप मारे करने बैठेंगे दो Hare Rama Hare Rama Rama Rama
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जितना सपोर्ट मैम हमें करते हैं, मोटिवेट करते हैं, उसकी वजह से हम आगे आ पाए हैं। मैं एक स्पेशल थैंक्स कहूँगी निशा मैम को, जिन्होंने इन बच्चों पर बहुत ज़्यादा, हमने तो करी है बट निशा मैम ने बहुत मेहनत करी है इन बच्चों की कोरियोग्राफी पे। निशा मैम ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे स्कूल जो है टफ लाइन पर, मैं ऑनर हूँ, लेकिन फाउंडर जो है तो वो यहाँ नहीं पहुँचे, उनको बोला था कि आप चलो चलो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई तो नहीं आ पाए। तो हमारी 5 ब्रांचेज हैं, तो उन्होंने सब तरफ जाना होता है, तो आज के बचपन ब्यादारी ब्रांच में हमारा प्रोग्राम था, तो उनको उधर जाना पड़ा, तो मैं इधर आई। तो ये 5 ब्रांचेज जो हमारी चल रही है एक के बाद एक तो यही होगी, एक मियाँबाद हो गई, एक लक्ष्मण बिहार, एक सेक्टर 4, एक दिल्ली पालम में, और अब हम 99 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तो तैयार कर लिया है, स्टार्ट कर दिया है काम, तो इसमें 1.5 साल लगेगा। Thank you.
आज हम यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं। इतने प्यारे प्यारे बच्चे फ्लाइंग बर्ड्स स्कूल से आए हुए हैं। इन्होंने जो महाभारत की पूरी प्रस्तुति दी वो देखने लायक थी। सबसे पहले तो मैं निशा मैम का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, जो इन बच्चों को इतनी अच्छी कोरियोग्राफी करके कि कुछ तो मेरी सखियां बैठ करके उनकी आंखों में पानी आ गए थे। बहुत ही अच्छी की मतलब इतनी शानदार प्रस्तुति आपने करवाई कि देख करके अगर भावुक हो रहा है बंदा तो दैट मीन्स कि इस परफॉर्मेंस में जान थी। बिल्कुल लाइवली परफॉर्मेंस थी और बच्चों ने बखूबी इतना प्यारे ढंग से एक एक स्टेप को एक एक तरीके। सबसे अच्छा जो मुझे लगा उसके अंदर चीरा रन जो उस बच्ची ने किया था, बहुत ही प्यारा किया था, बहुत ही प्यारा। उसको ऐड करना इस पूरे एक्ट के अंदर माइंड ब्लोइंग कि उसके बारे में कुछ भी शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। बाकी इस मंदिर में आज हम गीता जयंती मना रहे हैं। गीता जयंती हम तब से मना रहे हैं जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, पर उससे पहले भी गीता का ज्ञान दिया गया था। क्योंकि जो द्वंद्व युद्ध अंतर मन का जो युद्ध चल रहा था वो एक समय पर सूर्य भगवान के अंदर भी चल रहा था, तो वो ज्ञान उनको भी दिया गया था। तो ये चल तब से रहा है जयंती मनाने का उत्सव जब से अर्जुन को ज्ञान मिला था। बच्चों के लिए तो मैंने बोला ना अभी कि इनके लिए इनकी परफॉर्मेंस और इनको मैं क्या एनकरेज करूँगी। इन्होंने मुझे एनकरेज कर दिया कि मुझे ही डांस नहीं आता था। मैंने कहा अरे ये तो मैं भी कर सकती हूँ, बैठे बैठे मैं अपने आप को विजुलाइज कर रही थी उस जगह पर। बच्चों ने इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं गुरु का हाथ था। बच्चों ने सीखा उस गुरु की, क्योंकि आजकल बच्चे सीखते नहीं ना, पेरेंट्स की बातें भी नहीं सीखते। ये अभी मैम बोल रही थी कि हमें संस्कृति को आगे लेके जाना है, अपने सनातन को आगे लेके जाना है। वाकई में स्कूल में मोरल एजुकेशन पढ़ाई तो जा रही है पर वो एज अ एक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई भी अमल नहीं कर रहा है। तो आज हमारे इस जगह पर आकर के नरेंद्र मोदी जी के लिए भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने इतना हमारे देश को प्रमोट कर दिया कि अब घर घर में हर एक बच्चा हमारे ग्रंथ को, हमारे पुराणों को, हमारे उपनिषद को, हमारी गीता को समझ पा रहा है कि कौन से हमारे हिंदी के महीने हैं। पहले तो बच्चों को जनवरी फरवरी मार्च से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, अब बच्चे बोल तो रहे हैं कि हाँ मार्च। आई एम ऑनर ऑफ द फ्लाइंग बर्ड स्कूल। मेरी 5 ब्रांचेज हैं, सेक्टर 4 मियांवाल कॉलोनी जैकमपुरा, दो हैं और एक दिल्ली पालम में है। अब हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाने के लिए 99 में हमने प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया है और हमारे स्कूल का जो एम है वो ऑलराउंडर की डेवलपमेंट है बच्चों की। और विशेष रूप से जो आजकल भ्रष्टाचार, अश्लीलता या कुछ ऐसी जो बढ़ रही हैं, बच्चों में नैतिक गुण नहीं आ रहे हैं, नैतिक गुणों की तरफ हमारा विशेष रूप से ध्यान है। और ख़ासकर जैसे ड्रेसेस देखते हैं तो इन चीज़ों को देख के हमने जो फैसला किया कि इस हमारे स्कूल का जो मेन एम होगा वो नैतिक शिक्षा ही होगा। और ऑलराउंडर में हम जैसे योगा है, योगा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे बच्चे योगा में जा रहे हैं और बहुत अच्छा। उन्होंने 9 बच्चों ने हमारे ने गोल्ड मेडल लिया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो जीत चुके हैं, अब स्टेट लेवल पे जा रहे हैं। मैडम गीता महोत्सव है आज, हाँ बच्चों ने आज जैकमपुरा स्कूल कृष्णा मंदिर में इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रोग्राम दिखाया। हमारे जो स्टाफ है बहुत ही ज़्यादा कहते हैं व्यापार करते हैं तो हानियाँ बहुत हैं, जिंदगी जीते हैं तो परेशानियाँ बहुत हैं। द फ्लाइंग बर्ड स्कूल पर माँ सरस्वती की मेहरबानियाँ बहुत हैं। तो क्या संदेश देना चाहोगे? यही संदेश देना चाहूँगी कि ये सब बच्चे जो है आगे बढ़ें और धर्म की शिक्षा ज़रूर इनको मिलनी चाहिए, नैतिक शिक्षा ज़रूर मिलनी चाहिए। ये जो आजकल वैसे मोदी जी ने भी जो उठा रखा है काफ़ी पाठ्यक्रम चेंज करने में वो बहुत ही अच्छा है। ये जो 12-22 को जो रामनवमी का ये का वो चल रहा है उसमें भी हमारा स्कूल है जो आगे बढ़ चढ़ कर यहीं इसी मंदिर में ही भाग लेगा।